मध्य प्रदेश के खरगोन में एक मुस्लिम युवक को टिकटॉक पर अभद्र टिप्पणी करना भारी पड़ा। 18 वर्षीय युवक टिकटॉक पर पुलिस को भी चैलेंज कर रहा है। पुलिस ने हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर FIR दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के सुखपुरी निवासी 18 वर्षीय युवक सलमान पिता सयूब शाह ने टिकटॉक पर 5 वीडियो अपलोड कर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। जैसे ही सूचना हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों को पता चलते ही सभी संगठन थाने पहुंच गए। हिंदू संगठनों ने आपत्ति लेने और अभद्र टिप्पणी पर पुलिस ने आरोपी युवक सलमान के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष संतोष पाटीदार ने कहा कि युवक ने सोशल मीडिया पर हिंदू समाज और पुलिस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए टिकटॉक पर वीडियो अपलोड किए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होना चाहिए। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। सलमान नाम का एक व्यक्ति था जो खरगोन में ही निवास करता है। उसने टिकटॉक पर एक आपत्तिजनक वीडियो बनाकर डाल दिया, जिससे खरगोन शहर का माहौल खराब होने की आशंका थी। इसीलिए हम लोग SP साहब से मिले और उसके खिलाफ कार्रवाई हो इसलिए ज्ञापन दिया था। क्या शुभ नाम आपका? संतोष पाटीदार, हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष। किस तरह की पोस्ट डाली हुई? उसने हिंदू भावनाओं को भड़काने की पोस्ट डाली थी। इस कारण हमको जल्द कार्रवाई करने के लिए SP साहब का रुख करना पड़ा। पुलिस के बारे में भी कुछ अपशब्द कहे? पुलिस के बारे में भी अपशब्द किए थे और दूसरे हिंदू समाज के लिए भी अपशब्द बोले थे और मिटाने की धमकी दी। इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि आज कुछ न कुछ मामला हो सकता है किसी संगठन से जुड़ा हो, इस कारण ऐसी पोस्ट डाली हो, उसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई, उचित कार्रवाई होना चाहिए। ये हिंदू जागरण मंच से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिन्होंने बताया था टिकटॉक पर किसी मुस्लिम युवक ने कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, तो इसके लिए जांच की गई और उस मुस्लिम लड़का है सलमान सयूब, ये करीब 18 साल का है। इसने 6-7 माह पहले कुछ पोस्ट डाली थी टिकटॉक पर, जो 5-6 महीने पहले इसने मोबाइल को बेच भी दिया था। इसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है, सख्त हिदायत चेतावनी दी गई है। 18 साल का युवा है तो उसके परिजनों को भी ज्यादा हिदायत दी गई। पुलिस के खिलाफ भी इसमें कुछ कमेंट किया? प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उसके खिलाफ की गई है। हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।